Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see the question paper of political science. जो name है question का या फिर book का, that is themes in comparative political theory. जो ये question paper है, that is हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है. So ये BA final year का है, right? So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next two video, you will got the notification. So let us begin. So let us start. ये आपका political science, BA political science का paper है, themes in comparative political theory, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है and 70 marks का ये paper है आपका, जिसमें हमारे पास सेक्शन वन है, जिसमें हमारे पास पार्ट वन में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन की दो विशेषताएं लिखिए. आपको दो नंबर का है तो आपको टू फीचर्स लिखनी है इसकी. देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जोहन लॉक विच राइट्स वर इंजॉयड बाय द मैन इन स्टेट ऑफ नेचर. जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे. सो ये भी आपको दो नंबर के लिए ही लिखना है. पांच क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबर के हैं तो आपको उसी हिसाब से लिखने हैं, राइट? और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू राइट ईच क्वेश्चंस, कंपलसरी है सारे. व्हाट वर द व्यूज ऑफ बाल गंगाधर तिलक ऑन स्वराज, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संबंधी क्या विचार थे, थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द अंबेडकर व्यूज रिगार्डिंग सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र संबंधित विचार लिखिए. तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व्यूज अबाउट सोशलिज्म, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए. तो आपके ये फाइव क्वेश्चन है, टू टू मार्क्स के, 10 मार्क्स के, राइट? सो हमारे पास पार्ट टू में बी में भाग ब, सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है जिसके सब पार्ट्स है अगेन. सो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए. सेकंड है, व्हाट वर द बेसिस ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू जे एस मिल के अनुसार स्वतंत्रता के आधार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन वी हैव डिस्कस द कौटिल्या 7 organ elements ऑफ स्टेट, कौटिल्य द्वारा बताया गया राज्य के 7 अंगों तत्वों का आपने वर्णन करना है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए. दो क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक से एक पीछे था स्वराज पे और ये यहाँ पे पोलिटिकल आइडियाज दे रहे हैं, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, राइट? आप कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 5 questions अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें आपके पास 8 options है तो 5 करने होते हैं आपको. राइट डाउन महात्मा गांधी व्यूज अबाउट स्वराज, स्वराज पे आपने महात्मा गांधी के व्यूज लिखने हैं, राइट? नाउ व्हाई वर डॉक्टर अंबेडकर अगेंस्ट वर्ण सिस्टम, जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो वर्ण सिस्टम के विरुद्ध क्यों थे, राइट? ये क्वेश्चन है. तो बी आर अंबेडकर से भी 2 questions रिपीट हो गए अगेन. वेयर इज, राइट अ नोट ऑन खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह पर नोट लिखना है, राइट? वट इज खेड़ा सत्याग्रह, 4 नंबर का है. नाउ हमारे पास सेक्शन सेकेंड है जिसमें अब हमारे पास यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, राइट? वट डू यू मीन बाई पोलिटिकल थाट, आप राजनीतिक चिंतन से क्या समझते हैं? डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पोलिटिकल थाट, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं पर वर्णन कीजिए. सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन में है, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते हुए विकास क्रम की व्याख्या कीजिए. डिस्कस इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस, किस तरह से डेवलप हुआ, तो वो है ये. नाउ मूविंग फर्दर, यूनिट 2 का है हमारे पास अब. इसमें देखें कि बहुत अच्छी बात है, यूनिट 2 भी लिखा है इसमें साथ ही साथ में, कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट 2 से है. इसमें जैसे दिया है, एग्जामिन लॉक्स व्यूज ऑन नेचुरल राइट्स एंड मिल वॉज ऑफ प्रोफेट ऑफ एम्पटी लिबर्टी कमेंट, मिल खोखले स्वतंत्रता का समर्थक था, उस पर कमेंट करना है अभी, क्योंकि मिल कहता ही है कि लिबर्टी दो हर चीज़ में, ये लिबर्टी के बिल्कुल सपोर्ट में होता है, तो इस तरह से आपने इस पर कमेंट करना है. यूनिट 3 में हमारे पास है, डिस्कस कौटिल्य थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक
ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द स्टेट, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सो कौटिल्य से क्वेश्चन पीछे भी आया था, सेवन ऑर्गन, और ये दोबारा रिपीट हो गया। मेक अ क्रिटिकल इवेल्यूएशन ऑफ गांधीज व्यू ऑन स्वराज, गांधी के स्वराज संबंधित विचारों को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकल इवेल्यूएशन आपने यहाँ पे देना है, क्रिटिक्स, राइट। नाउ यूनिट फोर में हमारे पास है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, डिस्कस द व्यूज ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑन सोशल जस्टिस, राम मनोहर लोहिया के सामाजिक न्याय संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस नेहरूज व्यूज अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और साथ ही साथ हमारे पास ऑप्शन में क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधित नेहरू जी के विचारों की विवेचना कीजिए। सो ये है आपका पोलिटिकल साइंस का थीम्स इन कंपेरेटिव पोलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन पेपर, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, राइट। सो गाइज, थैंक्स for watching, and that's all for today, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please do share with your friends as well. So that's all for today. Bye and take care.